अध्याय का तीसरा भाग, कम राग। कम से कम पांच और अधिक से अधिक सात स्वरों की वह सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे राग कहलाती है। आजकल राग गायन ही प्रचार में है। अभिनव राग मंजरी में राग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। यो अयम ध्वनि विशिष्टु स्वर वर्ण विभूषित रंजन को जन जितानाम सराग कथितो मुगे। अर्थात स्वर और वर्ण से विभूषित ध्वनि जो मनुष्य को मनोरंजन करे राग कहलाता है। राग लक्षण। प्राचीन काल में राग के 10 लक्षण माने जाते थे, जिनके नाम है ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, षाड़त्व, औड़त्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और ताल। इनमें से कुछ लक्षण आज भी परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आधुनिक समय में राग के निम्नलिखित लक्षण माने जाते हैं। पहला, ऊपर ये बताया गया है कि रचना जो कानों को अच्छी लगे राग कहलाती है, इसलिए यह स्पष्ट है कि राग का प्रथम लक्षण या विशेषता है कि प्रत्येक राग में रंजकता अवश्य होना चाहिए। दूसरा, राग में कम से कम पांच और अधिक से अधिक सात स्वर होने चाहिए। पांच स्वरों से कम का राग नहीं होता। तीसरा, प्रत्येक राग को किसी न किसी ठाट से उत्पन्न माना गया है, जैसे राग भोपाली को कल्याण ठाट से और राग बागेश्वरी को काफी ठाट से उत्पन्न माना गया है। चौथा, किसी भी राग में सड़ज अर्थात सा कभी भी वर्जित नहीं होता, क्योंकि यह सप्तक का आधार स्वर होता है। पांचवा, प्रत्येक राग में पा और पा से कम एक स्वर अवश्य रहना चाहिए। दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते। अगर किसी राग में पा के साथ शुद्ध मा भी वर्जित है तो उसमें भी तीव्र मा अवश्य रहता है। भोपाली राग में मा वर्जित है तो मालकोश में पा, किंतु राग ऐसा नहीं है जिसमें मा और पा दोनों एक साथ वर्जित होते हो। छठे, प्रत्येक राग में आरोह अवरोह वादी संवादी पकड़ समय आदि आवश्यक है। सातवां, राग में किसी स्वर का दोनों रूप एक साथ एक दूसरे के बाद ना प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ कोमल रे और शुद्ध रे अथवा कोमल गा और शुद्ध गा दोनों किसी राग में एक साथ नहीं आने चाहिए। यह अवश्य है कि संभव है कि आरोह में शुद्ध प्रयोग किए जाए और अवरोह में कोमल, जैसे खमाज राग के आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी प्रयोग किया जाता है। ठाट और राग की तुलना। पहला, सप्तक में ठाट की और ठाट से राग की रचना मानी गई है, अतः ठाट को राग का पिता माना गया है। दूसरा, ठाट सदैव संपूर्ण जाति का अर्थ सप्त स्वर युक्त होता है, किंतु राग का संपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। इस तरह ठाट की केवल एक जाति होती है, किंतु राग की 9 जातियां होती है। तीसरा, ठाट गाया नहीं जाता, किंतु राग गाया जाता है। चौथा, ठाट में रंजकता अवश्य नहीं है, किंतु राग में आवश्यक है। कारण यह है कि ठाट गाया नहीं जाता और राग गाया जाता है। पांचवा, ठाट में आरोह अवरोह दोनों का होना जरूरी नहीं है, किंतु राग में दोनों आवश्यक है, क्योंकि ठाट का आरोह अवरोह दोनों हमेशा एक समान होता है, किंतु राग में ऐसा आवश्यक नहीं है। छठा, ठाट में वादी संवादी गायन समय पकड़ न्यास के स्वर आदि की आवश्यकता नहीं है, किंतु राग में यह आवश्यक है। इसका कारण हम बता चुके हैं कि ठाट गाया नहीं जाता और राग गाया जाता है। सातवां, ठाट में सातों स्वर क्रम अनुसार होने चाहिए, किंतु राग में यह आवश्यक नहीं है। ठाट में सा के बाद रे के बाद गा के बाद मा आदि क्रम रहना ही चाहिए, लेकिन रागों में ऐसा कोई बंधन नहीं है। उसमें भी कभी क्रम अनुसार स्वर होते हैं तो कभी नहीं। आठवां, ठाटों का नामकरण उनसे उत्पन्न माने गए प्रसिद्ध रागों के आधार पर हुआ है, किंतु रागों का नामकरण स्वतंत्र रूप से हुआ है। जनक ठाट और जन्य ठाट। जनक शब्द का अर्थ है पिता, अतः जिन ठाटों से राग उत्पन्न माने गए हैं वे जनक ठाट कहलाते हैं। पीछे हम बता चुके हैं कि प्रत्येक राग को किसी न किसी ठाट से उत्पन्न माना गया है, इसलिए प्रत्येक राग को जनक ठाट कहा गया है। प्रत्येक राग को किसी न किसी ठाट से उत्पन्न माना गया है, इसलिए हर राग को जन्य राग कहा गया है। जन्य का तात्पर्य है जो पैदा हुए हो, अतः प्रत्येक ठाट जनक ठाट और प्रत्येक राग जन्य राग कहलाता है। आरोह अवरोह।
गाते बजाते समय हम ये देखते हैं कि गायक अथवा वादक किसी एक स्वर पर बहुत समय तक नहीं ठहरता, बल्कि ऊपर नीचे चढ़ता उतरता है। इसी को हम संगीत में आरोह अवरोह कहते हैं। आरोह अवरोह के शाब्दिक अर्थ के अनुसार स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और इसके विपरीत स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। कुछ राग में स्वरों का उतार चढ़ाव सपाट ना होकर वक्र होता है, जैसे केदार का आरोह सा है, सामा मापा धापा नीधा सा। इसमें धापा और नीधा अवरोहात्मक स्वर है, फिर भी ये आरोह में रखे गए हैं। अतः केदार राग का आरोह इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार खरा नहीं उतरता। केदार ही नहीं, ऐसे अनेक राग हैं। अतः हम आरोह अवरोह की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। राग की चलन के अनुसार स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। आशय राग। संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों में कभी कभी ये भ्रामक धारणा देखी जाती है कि पहले ठाट और तत्पश्चात राग की रचना हुई होगी। इस धारणा का मुख्य कारण यह है कि वे ऐसे कथन का अक्षरार्थ सत्य समझते हैं कि भोपाली राग कल्याण ठाट से उत्पन्न हुआ है। वास्तव में ये कथन भ्रामक है। होना यह चाहिए कि भोपाली को कल्याण ठाट से उत्पन्न माना गया है, ना कि उत्पन्न हुआ है। ठाट रचना के बाद दिनों पूर्व में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी। उस समय कुछ को राग और कुछ को रागनी कहते थे। कुछ दिनों के बाद राग रागनी पद्धति अवैज्ञानिक सिद्ध हुई और ठाट वर्गीकरण के अंतर्गत समस्त रागों को 10 विभागों में विभाजित कर दिया गया, जिन्हें ठाट कहा गया। ठाट रचना के बाद हमारे शास्त्रकारों के सम्मुख उनके नाम की समस्या उत्पन्न हुई। अतः उन लोगों ने यह निश्चित किया कि प्रत्येक ठाट से उत्पन्न माने गए सबसे प्रसिद्ध राग का नाम उसके ठाट को दे दिया जाए। ऐसे रागों को आशय राग कहा गया है। अतः आशय राग वह है जिनका नाम ठाटों को दिया गया है। उदाहरण के लिए सारे गामा पादा नी ठाट से उत्पन्न माना गया है। सबसे प्रसिद्ध राग काफी है, अतः इसे काफी ठाट कहा गया। इसी प्रकार शुद्ध स्वरों के ठाट सारे गामा पादा और नी को विलावल माना गया। इसी प्रकार 10 ठाटों के नाम रखे गए। क्योंकि ठाटों की संख्या 10 मानी गई है, इसलिए आशय राग भी 10 हुए। विलावल पूर्वी खमाज काफी है, सावरी भैरव भैरवी आदि ठाट भी है और राग भी। जब खमाज ठाट कहे के तो जो लक्षण ठाट के होते हैं वही खमाज ठाट के होंगे, और जब हम खमाज राग कहेंगे तो जो लक्षण राग के होते हैं वही खमाज राग के होंगे। इस तरह 10 ठाट अपने आशय राग से भिन्न होते हैं। राग के इस वर्गीकरण के प्रचार का श्रेय स्वामी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को है। वर्ण। स्वरों के विभिन्न क्रम अर्थात चाल को वर्ण कहते हैं। मोटे तौर से स्वरों की चलन 4 प्रकार की हो सकती है, अथवा दूसरे शब्दों में वर्ण के प्रकार के होते हैं। अभिनव राग मंजरी में कहा गया है, गान क्रियोचते वर्ण है, अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। पहला स्थाई वर्ण। जब कोई स्वर एक से अधिक बार उच्चारित किया जाता है तो उसे स्थाई वर्ण कहते हैं, जैसे रे रे गा 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 मामा आदि। दूसरा आरोही वर्ण। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं, जैसे सारे गामा। तीसरा अवरोही वर्ण। स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोही वर्ण कहते हैं, जैसे नीधा पामा गारे सा। चौथा संचारी वर्ण। उपयुक्त तीनों वर्णों के मिश्रित रूप को संचारी वर्ण कहते हैं। इसमें कभी तो स्वर ऊपर चढ़ जाता है तो कभी स्वर बार बार दोहराया जाता है। दूसरे शब्दों में संचारी वर्ण में कभी आरोही कभी अवरोही और कभी स्थाई वर्ण दिखाई दे रहे हैं, जैसे सा 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 रेगा पापा धा पामा पा मागा रेसा। अलंकार। नियम अनुसार स्वरों की चलन को अलंकार कहते हैं। अलंकार में कई कड़ियां होती है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक अलंकार में मध्य सा से तार सा तक आरोही वर्ण और ता सा से मध्य सा तक अवरोही वर्ण हुआ करता है। संगीत दर्पण में अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रचक्षते।
अर्थात नियमित वर्ण समूह को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अवरोह आरोह का ठीक उल्टा होता है। नीचे कुछ उदाहरण देखिए। पहला आरोह, सारे गा रे गा मा गामा पा मा पा धा पा धनी और धानी सा। अवरोह, सा नी धा नी धा पा धा पा मा पावा गा मा गा रे और गारे सा। दूसरा आरोह, सारे गारे रेगा मागा गामा पामा मापा धापा पाधा नीदा धानी सानी। अवरोह, सानी धानी नीदा पाधा धामा पामा धापा मापा पामा गामा मागा रेगा गारे सारे। तीसरा आरोह, सा गा रे सा रे मा गा रे गापा मागा माधा पामा पानी धापा धासा नीदा। अवरोह, साधा नीसा नीपा धानी दामा पाधा पागा मापा मारे गामा गासा रेगा रेनी सारे। इस प्रकार अनेक अलंकारों की रचना हो सकती है। अलंकारों को पलटा भी कहते हैं। वाक्य के विद्यार्थियों को नित्य प्रति अलंकार का अभ्यास करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की रचना प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिलता है और उंगलियां अपने वाक पर विभिन्न प्रकार से घूमने योग्य हो जाती है। गायन में भी इसकी बहुत कुछ कम महत्व नहीं है। कुछ मुसलमान गायकों का विचार है कि प्रारंभिक विद्यार्थियों को अलंकार का अभ्यास खूब कराना चाहिए, किंतु कुछ गायक इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि अलंकार का बहुत अधिक अभ्यास कराने से गुण के साथ साथ कंठ में भी ऐसे दोष भी आ जाते हैं जो जीवन भर बने रहते हैं और लाख हटाने पर भी नहीं हटते। पकड़, वह छोटे से छोटा स्वर समुदाय जिससे कभी एक राग का बोध ही राग बोध हो राग की पकड़ कहलाता है। जैसे पारे गारे धीरे सा से कल्याण राग का बोध होता है, अतः इसे कल्याण राग का पकड़ कहते हैं। प्रत्येक राग की पकड़ अलग अलग होती है। गाते बजाते समय राग की पकड़ बार बार प्रयोग की जाती है। सप्तक के 12 स्वरों के भिन्न भिन्न प्रयोग से प्रत्येक राग की पकड़ अलग हो जाती है। अगर किसी स्वर समूह से 2 रागों का बोध हो तो वह किसी भी दशा में पकड़ नहीं कहला सकता। जाति, इससे राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का बोध होता है। हम पीछे बता चुके हैं कि किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर प्रयोग किए जा सकते हैं। अतः संख्या की दृष्टि से राग के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला 5 स्वर वाले राग, दूसरा 6 स्वर वाले राग और तीसरा 7 स्वर वाले राग। दामोदर पंडित लिखित संगीत दर्पण में कहा गया है, औड़व है पंचमी प्रुक्त स्वरे षड्जमी षड्वा संपूर्ण सप्त दिग्व्य अवे रागस्त्रया मत है। अर्थात 5 स्वर वाले रागों की जाति औड़व, 6 स्वर वाले रागों की षड्व और 7 स्वर वालों रागों की जाति संपूर्ण कहलाती है। राग की जातियाँ, राग लक्षण के अंतर्गत हम पीछे बता चुके हैं कि राग में आरोह और अवरोह दोनों का होना आवश्यक है। अधिकांश रागों में यह देखा जाता है कि आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या समान नहीं होती। जैसे राग खमाज के आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह अन्य राग भी है जिनमें अगर आरोह में 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं तो अवरोह में 6 अथवा 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं इत्यादि। इस प्रकार राग के मुख्य 3 जातियों में कुल मिलाकर 3×3 9 जातियां हो सकती है जिनके नाम इस प्रकार है। पहला औड़व वड़व आरोह अवरोह दोनों में 5 5 स्वर। दूसरा औड़व शाड़व आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर। तीसरा औड़व संपूर्ण आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर। चौथा षाड़व षाड़व आरोह अवरोह दोनों में 6 6 स्वर। पांचवा षाड़व औड़व आरोह में 6 और अवरोह में 5 स्वर। छठा षाड़व संपूर्ण आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वर। सातवा संपूर्ण संपूर्ण आरोह अवरोह दोनों में 7 7 स्वर। आठवा संपूर्ण षाड़व आरोह में 6 और अवरोह में आरोह में 7 और अवरोह में 6 स्वर। नौवा संपूर्ण औड़व आरोह में 7 और अवरोह में 5 स्वर। वर्ज्य,
जिन स्वरों का प्रयोग किसी राग में नहीं होता है वे उस राग के वर्ज्य स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए असावरी के आरोह में गा स्वर वर्ज्य है, मा और नी स्वर भोपाली के आरोह और अवरोह दोनों में प्रयोग नहीं किए जाते, इसलिए यह कहा गया जाता है कि भोपाली में मा और नी स्वर वर्ज्य है। वर्ज्य और विवादी, इनमें अंतर यह है कि वर्ज्य स्वर का प्रयोग कभी नहीं होता, किंतु विवादी स्वर का प्रयोग राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी कर लिया जाता है। वादी, संवादी और अनुवादी, राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तीन श्रेणियां हैं, वादी, संवादी और अनुवादी। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है, अर्थात राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाता है तथा जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है वह उस राग का वादी स्वर कहलाता है। उदाहरणार्थ भोपाली राग को लीजिए, इसमें गा स्वर को वादी माना गया है। भोपाली राग का आलाप सृष्ट 48 पर देखिए कि उसमें गा को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वादी स्वर को राग रूपी राज्य का राजा कहा गया है। वादी स्वर को अंश स्वर, जी स्वर अथवा प्रधान स्वर भी कहते हैं। राग में वादी स्वर का इतना अधिक महत्व होता है कि दो रागों में स्वरों की समानता होते हुए भी केवल वादी स्वरों के परिवर्तन से दोनों राग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उदाहरणार्थ भोपाली और देश का रागों को लीजिए, दोनों में सारे गा पा और धा स्वर प्रयोग किए जाते हैं, किंतु वादी संवादी के परिवर्तन से दोनों राग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। भोपाली राग में गा वादी और धा संवादी है, तो देश काल में धा वादी और गा संवादी है। वादी स्वर से लाभ, वादी स्वर के द्वारा राग के गाने का साधारण समय भी ज्ञात होता है। राग का यह नियम है कि अगर किसी का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग सारे गाम और पा में से कोई स्वर है तो उसका गायन समय दिन के पूर्व अंग में 12 बजे दिन के 12 बजे रात तक किसी समय होगा। इसके विपरीत जिस स्वर सप्तक के उत्तरांग जिसका वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग मा पधा और नीसा में से कोई स्वर होता है तो उसका गायन समय दिन के उत्तरांग में 12 बजे रात्रि के बाद से 12 बजे दिन तक किसी समय होगा। उदाहरणार्थ भैरव राग में धा व रे वादी समाधि है, इसलिए हम बिना सोचे समझे ये कह सकते हैं कि भैरव का गायन समय 12 बजे रात्रि के बाद से 12 बजे दिन के भीतर किसी समय होगा कि क्योंकि धा सप्तक के उत्तरांग में आता है। ऊपर यह शंका उठती है कि किस प्रकार माँ और पा दोनों सर पूर्वांग है और उत्तरांग दोनों में माने गए हैं। इस शंका का समाधान हम आगे करेंगे। यहाँ पर केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि सप्तक के पूर्वांग में सा से पा तक और तथा उत्तरांग में माँ से सा तक स्वर आते हैं। संवादी राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर संवादी कहलाता है। इसका प्रयोग तथा न्यास वादी की अपेक्षा कम तथा अन्य स्वरों की तुलना में अधिक होता है। इसे वादी रूपी राज्य का मंत्री कहा गया है क्योंकि यह वादी स्वर का परम सहायक होता है और उससे अटूट संबंध स्थापित किए रहता है। वादी और संवादी स्वरों में 4 अथवा 5 स्वरों की दूरी रहती है। दूसरे शब्दों में वादी संवादी में षड्ज मध्यम अथवा षड्ज पंचम भाव अवश्य रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि वादी संवादी में अगर किसी को षड्ज मान लिया जाए तो दूसरा स्वर या तो उसका मध्यम और या पंचम होगा। एक या दो उदाहरण से यह नियम और भी स्पष्ट हो जाएगा। वृंदावनी सारंग में रेपा वादी संवादी है, इसमें अगर ऋषभ को सा मान लिया जाए तो पंचम उसका मध्यम होगा। इसी तरह कल्याण में गाने वादी संवादी है, अगर गा को सड़ज मान लिया जाए तो नी उसका पंचम होगा। सप्तक में सामा रेपा गाधा मानी और पासा स्वरों के बीच सड़ज मध्यम भाव तथा सापा रेदा गानी और मासा स्वरों में सड़ज पंचम भाव रहता है। अनुवादी वादी संवादी के अतिरिक्त राग में प्रयोग किए जाने वाले अन्य स्वर अनुवादी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए भैरवी राग में मासा के अतिरिक्त जो क्रमश है वादी संवादी है राग के शेष स्वर अनुवादी कहलाते हैं। अनुवादी स्वरों को अनुचर की उपमा दी गई है।